डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शंस, यानी संबंध एवं फलन। इसका ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम रिक्त संबंध के बारे में बात करेंगे। रिक्त संबंध कौन से होते हैं? हम ला के रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, क्योंकि कोई भी समुच्चय हो इसका एक उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय अवश्य होगा। सपोज करो एक कोई समुच्चय है जिसमें एक और दो भी एलिमेंट है, तो इसके लिए उपसमुच्चय बनेंगे उपसमुच्चय सबसे सबसे पहला रिक्त समुच्चय अवश्य आएगा, या फिर इसे इस तरह से बनाओ या फिर इसे फाइव से शुरू करो, उसके बाद वन टू और लास्ट वन टू। दो एलिमेंट है तो दो की भाग दो है, चार बनेंगे, एक दो तीन चार, चार सबसे बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय एक उप समुच्चय होता है, इसलिए फाइ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए इनटू बी का भी एक उप समुच्चय फाई अवश्य होगा, क्योंकि प्रत्येक का उप समुच्चय होता है, ए का भी होगा बी का भी होगा किसी एक का भी होगा, तब भी ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय फाई अवश्य होगा। अतः फाई बी समुच्चय, फाई यानी कि रिक्त समुच्चय, फाई बी समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है। यह सबसे छोटा संबंध होगा। इसके बाद समष्टीय संबंध, हम जानते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, कोई भी समुच्चय हो तो स्वयं का उप समुच्चय अवश्य होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए इज इक्वल टू वन टू, दो एलिमेंट का है समुच्चय है, तो इसके अब उप समुच्चय एक फाइव बनेगा, एक दो एक और ये एक दो, यानी कि वही समुच्चय आया मैंने वाला। तो प्रत्येक समुच्चय अपने अपना ही उप समुच्चय होता है, अतः ए क्रॉस बी भी समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है, जिसे समष्टीय संबंध कहते हैं। यह ए से बी में सबसे बड़ा संबंध